शुरू करें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय लक दैट आई एम हियर इन मस्तानपुर एरिया। आप ये देख रहे हैं, मैंने लिखा है अली हसन पुत्र शहीद वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र जेता 1965 वार के हीरो हौलदार अब्दुल हमीद साहब के जो हमारे ये नाती और ग्रैंडसन, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और ये आपको बताएंगे, अपना परिचय देंगे, फिर आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम हसन नवाज है, मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का ग्रैंडसन हूँ और मेरे दादा 1935 में जो है शहीद हो गए थे देश के लिए, देश के पाकिस्तान वॉर में, इंडो पाक वॉर में, तो बहुत अच्छा लगा ये आए हैं। और मैं रिटायर्ड सर्जेंट संतोषीलाल कमल एडवोकेट हूँ मैं, और मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मुझे परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद का घर देख सकूँ, उनके घर में रह सकूँ, उनके परिवार से मिल सकूँ, तो आज ये मेरी तमन्ना पूरी हुई, उनके मैं ग्रैंड सन से मिल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंदर भी दिखाता हूँ जो वो मेडल रखे हैं और सब चीज़ें रखी हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ, उनका मेडल जो रखा है। और ये देखिए, आइए अंदर आइए, आप अंदर से भी देख सकते, देखिए देखिए ये परमवीर चक्र, इसकी जरा फोटो दिखाए अच्छी तरह से, बेटा जरा हम जरा चढ़ जाएं इसके ऊपर, मैं चढ़ के दिखा। हाँ, ये देखिए परमवीर चक्र जो मिला था हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब को, वो निकले, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, जो इन उपहारों को देखेंगे उन सबको अभिवादन, ये प्रमाण है कि परमवीर चक्र किसको संख्या 263-9985 कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद फोर ग्रेनेडियर मरणोपरांत को उनकी परम उत्कृष्ट विजेता के लिए दिया जा रहा है। 10 सितंबर 1965 को प्रातः 8 बजे पाकिस्तानी सेना ने पैटन टैंक की एक रेजिमेंट के साथ खेमकरण सेक्टर में मिक्की बिंद रोड से लगे सीमा ग्राम के आगे एक महत्वपूर्ण स्थान पर आक्रमण किया। आक्रमण से पूर्व शत्रु की तोपों से भारी गोलाबारी की। शत्रु के टैंक कितना है सबने बजे, देखिए लिखा हुआ है, हमारी अग्रिम चौकियों में घुस गए। स्थिति की गंभीरता का अनुमान का कर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जो कि एक क्या लिखा है, ये तरफ पढ़ो बेटा, ये क्या, ये अपनी तोप के साथ, बगल वाली तोप के साथ टुकड़े के कमांडर से थे। शत्रु तथा टैंकों आदि से होने वाली भारी गोलाबारी के बीच जीप पर रखी अपनी तोप के साथ बगल वाली स्थिति की ओर बढ़े और लाभकारी स्थिति को ग्रहण करते हुए उन्होंने शत्रु के अग्रिम टैंक को ध्वस्त कर दिया तथा शीघ्रता से अपनी स्थिति को बदलकर उन्होंने एक अन्य शत्रु के टैंक को आग लगा दी। इस समय तक शत्रु के टैंकों ने उन्हें देख लिया और उनकी जीप पर मशीन गनों तथा अन्य विस्फोटकों से धुआंधार गोलाबारी की। निर्भीक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने तब भी एक और शत्रु टैंक पर अपनी ये क्या लिखा बेटा, ये गन से गोलाबारी चालू रखी, ये क्या लिखा है, रेस्क्यूलेंस। ऐसा करते हुए वह शत्रु के एक भारी विस्फोटक गोले से घातक रूप से आहत होकर वीरगति को प्राप्त हुई। टैंकों के भीषण आक्रमण का वीरता पूर्वक सामना करने के लिए हवलदार अब्दुल हमीद की साहसपूर्ण कार्रवाई ने उनके साथियों को प्रेरित किया। इस
संक्रिया के मध्य उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूर्णता उपेक्षा तथा शत्रु द्वारा निरंतर की गई गोलाबारी के सम्मुख उनके साहसपूर्ण दीर्घकालिक कार न केवल उनकी टुकड़ी वरन समस्त डिवीजन तथा भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप एक उज्ज्वलंत उदाहरण थी। नई दिल्ली में आज दिनांक 1966 के जनवरी के 26वें दिन 6 मार्च 1887 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर सहित दिया गया। देखिए रक्षा मंत्रालय का सचिव है, ये सिग्नेचर है, भारत का राष्ट्रपति है, उनका ये सिग्नेचर है। तो ये परमवीर चक्र विजेता हवलदार और अब्दुल हमीद की मैं घर हूँ, और ये मैं आपको परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद को जो परम वीर चक्र दिया गया उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। दोस्तों सज्जनों, आपको देखकर हैरत भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि कानपुर में आई इनके इनके पिताश्री ये गन फैक्ट्री में सर्विस करते थे। कहाँ सर्विस करते थे? गन फैक्ट्री में, एज एग्जामिनर। एज एग्जामिनर। और आपकी दादी माँ यहाँ रही? दादी हमारी 2019 में अक्टूबर को करीब जो है उनका भी है देहांत हो गया। अच्छा, और दादी का क्या नाम था? रसूलन बीबी। रसूलन बीबी। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद के नाती ग्रैंडसन से मिल रहा हूँ, मैं पोते से मिल रहा हूँ। और ये स्वयं साक्षी रहे कि 2019 में हवलदार अब्दुल हमीद की धर्मपत्नी रसूलन बाई का निधन हुआ और उनके पुत्र, क्या नाम है, अली हसन जी, यही स्मॉल आर्म फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बतौर एग्जामिनर कार्य किया और अरमापुर स्टेट के पास अभी ये उनका परिवार रह रहा है। और ये देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए इधर भी दिखाई, इधर देखिए ये लिखा हुआ है, इस्लाम में को धर्म को आत्मसात किया है और उसकी परंपराओं के अनुसार भारत की रक्षार्थ सर्वोच्च बलिदान किया, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और ऐसे हमारी भारतीय सेना की परंपरा पर हमें गर्व है। मैं डॉक्टर संतोष लाल कमल रिटायर्ड सार्जेंट एडवोकेट धन्य हूँ मैं कि आज इस घर में पधार रहा हूँ। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं अपनी भारतीय सेना के प्रति समर्पित वीर अब्दुल हमीद को नमन करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ उनके उत्कृष्ट बलिदान के लिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी।